वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टाइल विद शालू। और गैस आज का जो लुक है ये है पार्टी वेयर मेकअप लुक जो कि मैंने पर्पल कलर के साथ किया है। कई लोगों की डिमांड होती है कि जिस कलर की ड्रेस वेयर करते हैं उस कलर का ही मेकअप करना पसंद करते हैं, तो गैस ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर है कविता, तो उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये मेकअप क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हो, अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और गैस आप देख सकते हो ये जो लुक मैंने क्रिएट किया है तो ये कैसे किया है आप आगे वीडियो में देखिएगा। और अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़िए। और गाइज प्लीज आप सब्सक्राइब करने में कंजूसी कोई मत कीजिएगा, फ्री का सब्सक्राइब है, एक रेड कलर का बटन आता है तो गाइज इजीली उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, यानी कि टिक कर सकते हो और एक लाइक कर देना मेरे वीडियो को। तो गाइज हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट मैं ले रही हूँ ये मैबलिन का फिट मी कंसीलर। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप फाउंडेशन भी ले सकते हैं और इसे मैं ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से। आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो आप फिंगर की हेल्प से या फिर ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ करी हूँ ये हिलारी रोड़ा का आई शेडो पैलेट, जिसमें से मैं एक डार्क पर्पल शेड लेकर अपनी क्रीज लाइन पर ब्लेंड करूँगी, क्योंकि गाइस ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। आप देख सकते हो, आप कोई भी शेड लेते हो डार्क या लाइट तो उसको अच्छे से ब्लेंड करें, कोई भी हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए। अगेन मैं फिर से वही डार्क शेड लेकर अपनी क्रीज लाइन पर अच्छे से और ज़्यादा ब्लेंड करूँगी और उसमें से ही उसी पैलेट में से मैं एक गोल्डन शेड लेकर अपने आईलिड पर लगाऊंगी। और आप देख सकते हो, फिर उसके बाद मैं आईलिड पर जो गोल्डन शेड लगाया है ग्लिटर पैलेट यूज़ करूँगी। इसमें से कोई सा भी शेड आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैंने ये शैम्पियन और वाइट गोल्ड मिक्स लिया है और मैं इसे अपने जो मैंने गोल्डन शेड लगाया है मैंने उसी पर प्लेस कर लिया है, आप देख सकते हो। और फिर से मैंने वही शेड लेकर जो भी हार्श लाइन थी उन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो आप देख सकते हो, इससे आपका आई शेडो है वो बहुत ही अच्छा लग जाता है। और आई शेडो हो गया है मेरा कंप्लीट, आप देख सकते हो। उसके बाद आती है मेकअप की, फेस मेकअप की बारी। तो उसके लिए मैंने लिया है ये मालियो का एल्यूमिनेटिंग प्राइमर जो कि मेरे फेस पे बहुत ही ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी पार्टी में जाते हो तो ऐसा जो प्राइमर होता है उसको आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा मैंने यूज़ करने की करने की कोशिश की थी आजकल जो चल रहे हैं ब्लश चैलेंज, तो गाइज आप देख सकते हो वो मुझे 50-50 पसंद आया है। अगर आप सिंपली ब्लश लगाते हो कोई भी लिपस्टिक से तो बहुत ही प्यारा ब्लश आता है, बट अगर इस तकनीक से आप लगाते हो तो शायद वो क्या दिखाते हैं। बट मैंने जो किया है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है ये, बट थोड़ा थोड़ा तो चल गया है मेकअप के दौरान। आप देख सकते हो, आप जो इतनी कॉन्टोरिंग वगैरह करते हो सब कुछ तो वो सारा ही सारा ब्लेंड हो जाता है, फिर आपको दोबारा से करना पड़ता है। तो मैंने ये दोबारा से ही मेकअप बेस का मतलब हाइलाइटिंग की थी और कॉन्टोरिंग की थी, तो ये सब कुछ मैसी हो गया था आप देख सकते हो। और ब्लेंड भी अच्छे से नहीं हो रहा था, मैंने बहुत ही मुश्किल से इसे ब्लेंड किया है। बट आप ऐसा कोई भी काम मत करना, क्योंकि आपसे मैं नहीं कहूँगी आपसे करने के लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। आप फटाफट से अपना मेकअप बेस बनाइए जैसे कि हमेशा से मैं आपको बताती हूँ, तो उस तरीके से आप बनाइए और ईजीली अपना मेकअप कर लीजिए। फिर मैंने लिया है ये मैबलिन का फाउंडेशन, जिसका शेड और डिटेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो, ऐसे मैंने पूरे फेस पर अपने डॉट डॉट करके अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करूँगी। कई लोगों को ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना नहीं आता है, तो वो भी मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए वीडियो लाने वाली हूँ कि कैसे आपको ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है। तो वो वीडियो देखने के लिए आपको मेरा चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब और साथ में ही आती है नोटिफिकेशन बेल, तो गाइस उसे जरूर हिट कर लेना, तभी आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। और फिर हम आ जाते हैं अपने आईब्रो फिल करने पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोई भी आईशैडो लेकर ब्लैक आईशैडो लेकर अपने आईब्रो फिल कर लेती हूँ। और फिर हमें सेट करना है अपना जो भी हमने मेकअप बेस बनाया है, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का लूज पाउडर, क्योंकि गर्मी आ गई है तो हमें अपना जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रखना है, तो इसीलिए हम लूज पाउडर ही यूज करेंगे। कॉन्टो
कॉन्टोरिंग कर ली है हमने। कॉन्टोरिंग के लिए आप कोई भी डार्क शेड यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन का, ज़रूरी नहीं है आपके पास कॉन्टोर पैलेट ही हो। ब्लश में भी ऐसा ही है, अगर आपके पास कोई भी ब्लश नहीं है तो आप आई शेडो में से भी ब्लश यूज़ कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो। और हाईलाइटर के लिए तो आपको हाईलाइटर खरीदना ही पड़ेगा, या फिर एक बात मैं आपको और बताती हूँ, आपके आई शेडो पैलेट में कोई भी गोल्डन या फिर वाइट शेड हो, जो मेटालिक शेड होते हैं उन्हें भी आप हाईलाइटर में यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने लिया है मैट लुक का हाइलाइटर, तो मैंने वो वाला यूज़ किया है। और मैंने फिर से अगेन यही वाला आई शेडो पैलेट लिया है जो कि हिलारी डोडा का, और उसमें से जो मैंने शेड आई शेडो में यूज़ किया है मैं उसी को अपनी लॉर लैश पे यूज़ कर लूँगी। बात भी कर रही थी मैं और मेकअप भी कर रही थी, तो आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का, क्या बोलते हैं, भूल भी जाती हूँ यार कभी कभी मैं, मस्कारा जल्दी जल्दी बोलते समय, और मश्कारा यूज़ कर लिया मैंने। और उसके बाद मैं फॉल्सीज़ यूज़ करूँगी। वैसे मैं सोच रही थी कि फॉल्सीज़ नहीं यूज़ करूँ, बट मेकअप को अच्छा, आई मेकअप को बनाने के लिए हमें फॉल्सीज़ यूज़ ज़रूर ही करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, जो भी थोड़ा सा ब्लैक शेड लेकर, अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। दूसरा मेरा थोड़ा सा क्रीज हो गई थी ऊपर से, जो भी मैंने स्पार्क लगाया था, ग्लिटर जो लगाया था, तो वो दोबारा से आप सेट कर सकते हो। अगर आपको पार्टी में जाने में टाइम है तो आप दोबारा से उन्हें प्लेस कर लो, वो ठीक हो जाता है। तो उसके बाद हम सेट करेंगे अपना मेकअप, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का सेटिंग स्प्रे। और आप देख सकते हो ये सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना पूरे मेकअप की वाट लग जानी है। तो हम आ जाते हैं लिपस्टिक पर, और मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, पहले लगा रही हूँ लिप पेंसिल, उसके बाद मैंने ली है ये शुगर का डार्क शेड। तो गाइज डार्क शेड मैंने यूज़ किया है क्योंकि उन्होंने ही मुझे मैसेज में कहा था कि आप डार्क शेड यूज़ करना, तो मैंने यूज़ किया है। अदरवाइज़ मैं हमेशा अपने वीडियोस में लाइट शेड यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे लाइट शेड ज़्यादा पसंद आते हैं, इसीलिए। तो मैंने आज यूज़ जो किया है वो किया है डार्क शेड, और कैसा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बारी ज़रूर बताना, और ये लुक आपको कैसा लगा है तो मुझे एक बारी कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना, और वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और भी वीडियोस देखने के लिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं वहाँ पर भी पिक्चर्स रील वगैरह डालती रहती हूँ। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना।